अक्टोबर गरम बढ़ाऊ स्वास्थ्यगत चिंता शरतर आगमन परे परे अक्टोबर बेलू थंडा पवन बहवा आरंभ हुए। दिल्ली कोलकाता लखनऊ भली सहर लोक अधिक शीत अनुभव करती गरम पाई बाहर को आसती क्रमगत जलवायु परिवर्तन जगू अक्टोबर रे गरम बढ़ी आउ एही गरम अनेक स्वास्थ्यगत समस्या को डाकि आणुची। प्रथम यह साधारण ज्वर भली प्रतीयमान होता अन्य वर्ष मानकरे किंतु यह एबे अधिक स्वास्थ्यगत समस्या सृष्टि करुछि। अनेक डाक्तरखाना गुड़िक डेंगू एवं मलेरिया मामला बढ़ी जहाँ चिंतार कारण होइछि देशवासीक। राज्य में पापाग को लेकिन अनेक चर्चा होारे भितर स्वास्थ्यगत समस्या गोटे बड़ आह्वान गोटे बड़ चिंता होकर सामना को एवं ए संपर्कित खबर भी निहाती आवश्यकता रोचे कारण यही सीजन में जिते बड़े भल थंडा होगा कथा भल शीत होगा दरकार किंतु एवं पागर सामान्य पर आम देखा पाचे जहाँ अनेक स्वास्थ्यगत समस्या सृष्टि कर यह स्वास्थ्यगत समस्या विभिन्न कारण भी होपे अनेक किसी कारण थपे और कारण जो आग को जलवायु पर गोटे बड़ प्रभाव आम देखा एवं ए अनुसार स्वास्थ्यगत समस्या मध्य बढ़िया नहीं अनुमान करा जाई पारे। खास करके थंडा ज्वर लगी रोचे छिंक हो समय खरार प्रभाव भी आम गरम खास करके प्रभाव भी आम देखा पाचे बेसिकली आम गरम प्रभाव देखा पाऊ जो टाइम आम यही टाइम शीत र अनुभूति पाई शीत अनुभव किंतु एबे पागरे परिवर्तन जोगु स्वास्थ्यगत समस्या बढ़ी बढ़ी चली। अक्टोबर गरम बढ़ाऊ स्वास्थ्यगत चिंता शरतर आगमन पर अक्टोबर बेलू थंडा पवन बहवा आरंभ हुए। दिल्ली कोलकाता लखनऊ भली सहर लोक मैंने गरम पाई घर बाहर को बाहर हेले क्रमगत जलवायु परिवर्तन जगू अक्टोबर रे गरम एवं बढ़ी आउ एही गरम अनेक स्वास्थ्यगत समस्या को डाकि आणुची। प्रथम यह साधारण ज्वर भली प्रतीयमान होता हेले एबे यह अधिक स्वास्थ्यगत समस्या सृष्टि करुची। अनेक डाक्तरखाना गुड़िक डेंगू एवं मलेरिया भली मामला सामना को आसुची जहाँ एबे चिंताजनक स्थिति यही पागरे कहा जाई पारे। डॉक्टर शंकर रामचंदानी आम सहित जोड़ी होती स्वास्थ्य विशेषज्ञ ए संपर्क में अधिक आलोचना करने। डॉक्टर शंकर रामचंदानी आपन को स्वागत करी। शरतरे शीत आरंभ हो जाए भल शीत अनुभूत हुए किंतु एबे टिके गरम हो एही कालरे बा एही पानीपाग भितरे एही समय भितरे खास करके अक्टोबर रे गरम दिनकु दिन बढ़ुची एवं ये विगत दिन मानक जो जलवायु परिवर्तन होपाई आम एक परिवर्तन देखा पाऊँ पानीपागरे किंतु यार प्रभाव स्वास्थ्यगत समस्या उपर पड़ुची लोकंकर जो जगह छिंक हो सर्दी होची थंडा होची अनेक को ज्वर भली मामला सामना को आसुची। ये तो वर्तमान समय जो मानते ग्रीन हाउस इफेक्ट मानते बर्तमान जो इंडस्ट्रियलाइजेशन मानते शिल्प भित्तिक बहुत कारखाना प्रतिष्ठित है जनसंख्या भारत जनसंख्या बहुत द्रुत गति बढ़ाने तो से दृष्टि वर्तमान जो अक्टोबर मस ग्रीन हाउस इफेक्ट जो मानते आम भूमि जो अच्छी गरमटा गरमटा से गरमटा बाहर को जापारे वायुमंडल स्तर बाहर को जापारे जोद्वारा कि आमर विश्वर टेम्परेचर बढ़ुची और भारत मैं कितु बात नुए कि भारत जेहतु गोटे पपुलेटेड कंट्री यार मैं लोकसंख्या सर्वाधिक तो यह निश्चय यार बेसी प्रभाव पड़ी दिल्ली लखनऊ भाया सिटी मानक तार प्रभाव बेसी पड़ी जदा टेम्परेचर बढ़िया द्वारा बर्तमान जेहतु मनसून टा बर्तमान क्रस करा तो मनसून कला बेले आकाशटा क्लीयर ही जाऊँगी कितु वायुमंडल आर्द्रता रोचे आर्द्रता समय हाई टेम्परेचर रोचे जोटा कि विशेषकर जो मशा मैंने जो मैंने स्टैग्नेंट वाटर में बढ़ती जमीक्रीस है कि डेंगू मशा है मानने डेंगूर आईडिस मशा है तो से जेहतु वृद्धि कर प्रजनन सहायक हो तो मानने डेंगू और मलेरिया प्रभाव पड़ी तार संगे संगे भाईर कतटा बैक्टेरिया और भूताणु गुड़ाक मानने जेहतु यही टेम्परेचर गोटे क्वाल थाए एमती गोटे वायुमंडल आर्द्रता तार संगे संगे गरम ताको क्वाल थाए तो लोक फ्लू बा स्निजिंग कफ कफिंग कफ हवा कि नाकू पा बोवा कि थंडा ज्वर हवा सबूर बेस शिकार होती तो संगे संगे जेहतु यही बड़ बड़ सहर में अलरेडी से पल्युटेड थाए विभिन्न कारखाना थाए तथा लोक संख्या बहुत थाए तो पल्युटेड संख्या बेसी थाए तो से दृष्टि तर जो मैंने आजमा संपर्क संबंध आजमा किंबा ब्रोंकाइटिस रोग जो मैंने आक्रांत तर एटाक हमार संभावना बढ़ी जाए तो सब दृष्टि लगे मूल में रहा आम जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बा पृष्टिकरण शिल्पकरण
जो मानकर स्वास्थ्यगत समस्या ऑलरेडी अछि बा जो माने एकाधिक रोग रे संक्रमित तांको क्षेत्र रे ए समस्या टिके अधिक रही थाए डेफिनेटली जो माने वल्नरेबल ग्रुप माने जे माने जेमिति कि छुआ हैला किबा पूरा बुढा बुढी हैला किना कोनसी अन्य कोनसी रोग जेति डायबिटीज रे किबा अन्य कोनसी हार्ट संबंधी रोग किडनी संबंधी रोग रे आक्रांत से मानको क्षेत्र रे यार प्रभाव बेसी पड़िबो कारण तांकर इम्यूनिटी सिस्टम कम थाए जदरा कि जो वायरस जो टेम्परेचर बैक्टीरिया जो जो हम जलवायु रे आद्रता रहूची माने वायु रे आद्रता रहूची ता संगे संगे टेम्परेचर हाई रहूची ता तांको फ्रौची ता तांको इम्यूनिटी जेतु कम तांको शीघ्र माने इन्फेक्शन हेबार संभावना रहूची ता संगे जो माने छोट छुआ माने अछन्ति ताकर टेम्परेचर कंट्रोल करिबा से क्षमता न थाए तो एही टेम्परेचर समय ताकर इदिन हिस्ट्रोग रे संभावना बेसी थाए एही वल्नरेबल ग्रुप जो माने कि छोट छुआ अछन्ति कि मा वयस्क व्यक्ति माने अछन्ति तो देखिबा गोरे एही ग्रुप रे लोकन को विशेष सावधानता किंतु डॉक्टर रामचंदानी ये भविष्य रे गोटे बड़ स्वास्थ्य संकट तैयारी करिवनी जो जगह आम थंडा काश केवल शीत दिन मानक देखा पाई अधिक ज्वर एवं जो जगह ऋतुकालीन परिवर्तन हुए से समय देखा पाई किंतु जलवायु परिवर्तन जो पापागर आम गोटे व्यतिक्रम देखा पाऊँ आगामी समय ये गोटे स्वास्थ्यगत संकट तैयारी करिवनी डेफिनेटली आगुरी आईपीसीसी इंटर माने आमर जो संस्था अच्छी इंटरनेशनल संस्था जे क्लाइमेट चेंज उपर काम करुची से मतलब सूचाई देसी आगुरी आईपीसीसी जे आमर जो हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ुची आम शीतिकरण बढ़ुची ता संगे संगे जनसंख्या बढ़ुची से ही भूत्री जब आम आगक बढ़ा जाए तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपण मैंने जानते ग्रीन हाउस इफेक्ट द्वारा मैंने आम जो फ्रिज यूज करवा आम जो एसी यूज करूँ तार जो गैस जो बाहर से गैस टाइम ओजन लेयर को नष्ट कर तो डेफिनेटली आर परवर्ती समय केवल यह आम मान मनीषाई नुहे यहाँ आम एग्रीकल्चर फिल्ड पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ो और जीव मान तार नेगेटिव इंपैक्ट पड़ो डेफिनेटली यहाँ हूँ गोटे संकेत संकेत यही समय आम न सुधरी जावा परवर्ती समय केवल मनीष जाति नुहे समग्र विश्व प्राणी हूँ बा उद्भिद हूँ समस्ते कार्य किंतु डॉक्टर रामचंदानी आम थंडारु बर्तिबापाई विभिन्न पदक्षेप सब नहीं था कि खरा मासरे खरारु बर्तिबापाई विभिन्न पदक्षेप सब नहीं था किंतु ये पाणीपागरे व्यतिक्रम जो काल देखा मिली थाए बा जो समय देखा मिली थाए आम ताथिरु बर्तिबापाई कौन करिबा को आमको पड़िबो कारण गरम जगु लोक तो हैरान हेबे किंतु गरम सहित मुकाबला करिबा भितरे लोक स्वास्थ्य समस्या भितरे भी गति करिबे डेफिनेटली देखते बहुत शिक्षा आप ग्रामांचल को जी ग्रामांचल लोक मैंने आगुरी एवेयर थे आगे आवेयरनेस कर आवश्यकता रही है ग्रामांचल लोक व्हाइट पैंट कर व्हाइट पैंट कर द्वारा से जो सूचना को रिफ्लेक्ट करते जद्वारा कि टेम्परेचर से बढ़े ना व्हाइट पेंटिंग करेंगे मरिंग मैंने आप देखिए ग्रामांचल में आम जो मटी से तैयारी घर टाइम तो डेफिनेटली निरापद आहरांचल कथा जो आहरांचल जो पल्यूशन बेसी थाए এবং সেটি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বেশি থাকে তো সে ক্ষেত্রে তার মানে রিফ্লেকটিভ সারফেস দরকার মানে যে গোটে এমটি সারফেস আমি পেন্টিং করা যদ্বারা কি সে সূর্যকিরণ কু তা মানে অ্যাবজর্ব না করি বরং তাকে রিফ্লেক্ট করে দেব যদ্বারা কি টেম্পারেচার পড়িব না তার সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্মিং সিস্টেম মধ্যে আমি মানে ডেভেলপ করা পড়ব প্রবল মাত্রায় পানি পিবার আবশ্যকতা রয়েছে যেহেতু এই সময় আর্দ্রতা বেশি থাকে এবং হট টেম্পারেচার থাকে তো ডিহাইড্রেশন বা স্ট্রোক স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং যেমিতি পানি জমা হচ্ছে যে জায়গায় সে জায়গায় যেমিতি ফুলদানি হল কিংবা কুলর হল সে পানি গুলাকে মধ্যে সফা করবার আবশ্যকতা রয়েছে যেহেতু কিছু মসকিটো গুলাক বা মশা গুলাক বৃদ্ধি করিথান্তি তো সবু সচেতনতা সবু দিগকু আমাকু জগিবাকু পড়িবা আপনাকু অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার অধিক আলোচনা পাই অতি সুন্দর ভাবে পুরা বিষয়বস্তুকে আম দর্শককু বুঝাই দিবার ডক্টর শঙ্কর রামচন্দানী স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ আম সহ যোড়ি হয়েছিল এই প্রসঙ্গে আমাকু অধিক সূচনা দৌলে অধিক আলোচনা মধ্য করুন।